गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं पार्ट फोर्थ यानी लेसन फोर, चैप्टर फोर रीड करेंगे। हमने पहले पढ़ा था चैप्टर थ्री, नवीन समाज के प्रणेता। आज हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे यानी फोर्थ नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, वो है स्वतंत्रता का मूल्य। इसमें हम सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। लेखक परिचय में हम ये देखते हैं कि तेलानी राम के या रमन के जन्म और मृत्यु के बारे में सही पुष्टि नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब। माना जाता है कि तेलानी राम तुलुव वंश के शासक कृष्णदेव राय के दरबारी थे और उनके कुशाग्र बुद्धि के बारे में हम सब जानते हैं। छोटी छोटी कहानियां हम टीवी में, अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी हमारे आती है कि तेलानी राम की कहानियां। तो आज हम उसी से संबंधित, उनके बुद्धि से संबंधित एक छोटा सा किस्सा, एक छोटा सा वाक्य इस पाठ में पढ़ेंगे। तेलानी राम ने कई बार अपने राजा कृष्णदेव राय को अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर कई शत्रुओं से बचाया था, यानी कि उनको अपनी बुद्धि के बल पर ही उन्होंने शत्रुओं से बचाया। एक बार उन्हीं की बुद्धि, उन्हीं के प्रश्न का उत्तर देने की कुशाग्र बुद्धि के बुद्धि का एक छोटा सा वाक्य, छोटा सा किस्सा आज हम इस पाठ में पढ़ते हैं। वो पाठ है स्वतंत्रता का मूल्य। एक बार कृष्णदेव राय के विजयनगर में, यानी कि जो उनका राज्य था विजयनगर में, एक विदेशी अतिथि आया और उस विदेशी अतिथि ने राजा से पूछा कि मैं आपके राज्य के जो दरबारी और मंत्री है उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और जो भी इस प्रश्न का उत्तर सही देगा उसको मैं अपना बहुमूल्य हार उपहार स्वरूप दूंगा, क्योंकि मैंने आपके मंत्री और दरबारियों के कुशाग्रता की, यानी कि कुशाग्र बुद्धि के बहुत सारे किस्से सुने हैं। तब राजा ने कहा कि ठीक है, आप यह पूछ सकते हैं। तब राजा ने कहा कि आप ये सारा जो भी आप प्रश्न पूछना चाहें मेरे उनसे पूछ सकते हैं। तो उस अतिथि ने पूछा कि आप, उस अतिथि ने बड़े दरबार में पूछा कि आप में से मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। वो प्रश्न ये है कि विजयनगर की सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है। उस अतिथि का प्रश्न क्या था? उस अतिथि का प्रश्न था कि विजयनगर राज्य की जो सबसे बहुमूल्य वस्तु वो है क्या है। तब सभी मंत्री और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दरबारियों में से सबसे पहले एक मंत्री ने उत्तर दिया कि विजयनगर की सबसे बहुमूल्य वस्तु विजयनगर का शाही खजाना है। दूसरे ने उत्तर दिया कि जो आप राजा के सर पे मुकुट देख रहे हैं वो सबसे बहुमूल्य है क्योंकि ये हीरो से जड़ित है। फिर तीसरे ने उत्तर दिया कि जो आप राजा का महल देख रहे हैं, इतना बड़ा जो महल है वो सबसे बहुमूल्य वस्तु है। तो राजा ने देखा कि तेलानी राम ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजा ने तेलानी राम से पूछा कि तेलानी, आपने इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? तब तेलानी राम ने बोला कि महाराज, मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का उत्तर इस राज दरबार में देना चाहिए। कहने का क्या तात्पर्य था कि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दूं। सॉरी। तो राजा बोले कि अच्छा, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो तेलानी ने कहा कि जो राज दरबार का समय है वो राज्य की जनता की समस्याओं को सुलझाने का समय है, ना कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का समय। फिर तेलानी ने कहा कि विजयनगर, मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न विजयनगर के राज दरबार के लिए निरर्थक है। राज दरबार का समय अमूल्य है, अतः हमें राज दरबार के जो भी गंभीर मामले हैं उन्हें सुलझाना चाहिए। और परंतु फिर तेलानी ने कहा कि यदि आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, लेकिन इसके लिए ये सही समय नहीं है, क्योंकि ये जो समय है वो राज दरबार में विजयनगर की जनताओं के समस्याओं को सुलझाने का समय है। फिर राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। तब अतिथि ने यह स्वीकार किया कि यह प्रश्न राज दरबार में नहीं पूछा जाना चाहिए था। अतिथि ने बोला कि ठीक है, हम इस प्रश्न को बाद में खाली समय में पूछेंगे। राजा ने तेलानी राम की बातों से सहमत होते हुए पूछा। वह यात्री भी तेलानी की बातों से प्रभावित हुआ और उसने अपनी गलती स्वीकार करके कहा, महाराज, सचमुच आपके मंत्री विद्वान है
मुझे दरबार के कार्य समय में ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए थे। जब दरबार का समय समाप्त हो जाएगा तब मैं ऐसी बातें या ऐसे प्रश्न पूछूंगा। जब शाम को वो सब खाली बैठे थे तो उस अतिथि ने, विदेशी अतिथि ने तेलानी से पूछा कि क्या अब आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तेलानी ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। तेलानी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। प्रश्न क्या था? विदेशी यात्री ने सभी से यह पूछा था कि आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है कि विजयनगर की सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है। तब तेलानी राम ने उत्तर दिया कि विजयनगर की सबसे बहुमूल्य वस्तु विजयनगर की स्वतंत्रता है। तब उस अतिथि ने कहा कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता या मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। यदि यह सही है तो आप मुझे इसे सिद्ध करके बताइए। तेलानी राम ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। तो उन्होंने, राजा ने कहा कि ठीक है, आप यदि आपको कुछ दिन चाहिए तेलानी, तो आप इन अतिथियों की, इस अतिथि की जिम्मेवारी आपको है कि आप इनका ख्याल रखें और आप ये, इनको आप राजकीय अतिथि बनाकर रखें। तेलानी राम ने आज्ञा का पालन करते हुए उन अतिथि के लिए एक कमरे में अच्छे शाही इंतजाम किए, नरम नरम गद्दे लगाए, एक आवाज के साथ दास दासियां उनके सामने आ जाती। कहने का तात्पर्य था कि सारे ठाट बाट उस अतिथि को दिए गए। दो दिन तक तो अतिथि ने कुछ भी नहीं कहा। वो शाही अतिथि को जो सत्कार था वो भोगते रहे। तीसरे दिन जब अतिथि को थोड़ा ऊबने लगा तो वो टहलने के लिए, बाहर घूमने के लिए जाने लगे। तब द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। रोका तब उन्हें लगा कि हो सकता है कि सुरक्षा का मामला हो, इसीलिए मुझे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा हो। लेकिन जब दूसरे दिन उसे फिर अगले दिन संध्या के समय वह बहुत ऊब गया तो वह फिर घूमने के लिए जाना चाहता था, लेकिन द्वारपालों ने पुनः रोक लिया और कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते। इस चीज से वो जो विदेश यात्री थे वो झुंझलाया, यानी कि उन्हें गुस्सा आया कि आप मुझे बाहर जाने के लिए कैसे रोक सकते हो। यात्री को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, परंतु वह जब भी बाहर जाने लगता तो उसे रोक दिया जाता। और अब क्या था, अब उसे सब कुछ जेल के समान लगने लगा। एक दो तीन दिन बाद जब राजा घूमते घूमते उस अतिथि के पास पहुंचे, तब अतिथि से पूछा कि आप कैसे हैं। अतिथि ने झुंझलाते हुए, यानी कि गुस्सा करते हुए प्रश्न का उत्तर दिया। यात्री बहुत क्रोधित हुआ जब राजा ने क्या पूछा, आपने हमारे राज्य की सुख सुविधाओं का लाभ कैसे उठाया। यात्री क्रोधित हुआ और पूछा कि आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप मेरी दशा नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ मुझे एक जेल में बंदी की तरह रखा गया है, अतिथि गृह में बंदी बना दिया गया है। मुझे सारी सुख सुविधाएं दी गई है लेकिन मुझे बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। तो राजा ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो तेलानी राम को इसकी व्यवस्था बोली थी कि वो आपकी व्यवस्था करेंगे। तेलानी राम को बुलाया गया और पूछा गया कि आपने इसकी सारी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं की। तब उस यात्री अतिथि ने कहा कि सारी व्यवस्था तो ठीक ठाक थी लेकिन मुझे बाहर जाने नहीं दिया गया। जब द्वारपालों से पूछा गया कि आप इन्हें बाहर जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं, तब द्वारपालों ने उत्तर दिया कि यह आज्ञा किसकी थी, तेलानी राम की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि तेलानी राम ने ही कहा था कि अतिथि को बाहर नहीं जाने दिया जाए। राजा ने क्रोध में तेलानी राम से पूछा, तेलानी राम हमारे अतिथि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। महाराज, मैं तो यात्री के सामने केवल अपनी बात को सिद्ध करना चाहता था। तेलानी राम ने क्या उत्तर दिया कि मैं अपनी बात को अतिथि के सामने सिद्ध करना चाहता था कि स्वतंत्रता ही सबसे बहुमूल्य है। आप देखिए, इनको सारी सुख सुविधाएं दी गई लेकिन इन्हें सिर्फ बाहर नहीं निकलने दिया गया, तो ये कितने परेशान हो गए और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इन्हें अतिथि गृह से बाहर ना भेजकर हमने इनकी स्वतंत्रता पर बंधन लगा दिया। देखिए, स्वतंत्रता के अभाव में ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस पर राजा मुस्कुराए, अतिथि भी खुश हुआ और ये अतिथि बोला कि मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता सबसे बहुमूल्य है। पुरस्कार के रूप में उसने अपने गले का हार, हीरो का गले में पहना हुआ हीरो का हार तेलानी राम को दे दिया। इतना कहा यात्री ने हीरो का हार तेलानी की तरफ बढ़ा दिया। तेलानी राम ने भी हाथ जोड़कर उस अतिथि से क्षमा मांगी कि आप मुझे इस व्यवहार के लिए क्षमा कर दीजिए। यात्री ने भी मुस्कुराते हुए
उन्हें क्षमा कर दी। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को, एक हर व्यक्ति को स्वतंत्रता सबसे प्रिय होती है, ना कि धन। धन तो सबके पास हो सकता है, लेकिन स्वतंत्रता सबसे बहुमूल्य हो सकती है। थैंक यू।